गोरखनाथ मंदिर में रविवार को हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर खिचड़ी चढ़ाया। आपको बता दें कि परंपरागत रूप से मकर संक्रांति के अवसर पर वर्षों से चली आ रही शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। खिचड़ी चढ़ाने का क्रम शिवरात्रि तक चलता है। श्रद्धालु घंटों लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए मंदिर में जाकर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते रहे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के गेट से ही पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। जिसके संबंध में श्रद्धालुओं ने बताया कि हम कई वर्षों से गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं और लगभग हर वर्ष मकर संक्रांति में खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ आने के बाद मन को सुकून मिलता है। गुरु गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद से सारी मनोकामना पूरी होती है। हम खिचड़ी के साथ चावल, हल्दी, पैसा, नमक चढ़ाते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि मैं देवरिया से आई हूँ, मेरा सौभाग्य है कि गोरखनाथ बाबा का दर्शन प्राप्त हुआ। गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था काफ़ी अच्छी और सुदृढ़ है, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, आराम से लोग दर्शन कर ले रहे हैं। खिचड़ी के मेले में पहले मेरा स्टॉल भी लगता था, मैं पूरे महीने यही मेले में रहती थी। मैं यहाँ का स्टाफ भी रहा हूँ। दिल से जो भी गोरखनाथ जी से मांगो वह देर सवेर मुराद ज़रूर पूरी होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए श्रद्धालु नीलू गौड़, रुक्मणी श्रीवास्तव और गायत्री गौड़ ने कहा।
पर आकर के अपने दोनों बच्चों से मिले। रूपा भारती अगर आवाज सुन रही हो तो मुकेश जी जो छपरा के रहने वाले हैं, हनुमान जी मंदिर के पास आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बबीता महाराजगंज ये लड़की अभी थी थाने पर, बबीता महाराज चढ़ा। कितने वर्षों से आप गुरु गोरखनाथ के मंदिर आ गए? किसी मतलब कि रेगुलर नहीं आता थे, लेकिन बहुत सालों से आ रहे हैं। गैप भी होता है बीच में, बहुत भीड़ होती है, इसलिए थोड़ा सा घबराहट होती है भीड़ से। क्या मान्यता है आगे? मान्यता तो क्या, बाबा है वो, देवों के देव है, महादेव, उनके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो मांगे वो देते हैं। खिचड़ी का है जी? क्या क्या करता है खिचड़ी में? जो खिचड़ी होती है, पैसे होते हैं, कुछ फल सब्जी, जो आपकी इच्छा हो, जितना आप चढ़ा सकते हो चढ़ाइए। कहाँ से आई? देवरिया। हमारा रुक्मिणी श्रीवास्तव। कितने वर्षों से आप मंदिर आए? हम तो 50 साल से। हाँ, यहाँ हमारा माता भी है, ससुराल भी है। मान्यता है यहाँ का? मान्यता ये है कि बाबा गोरखनाथ बाबा ज्वाला जी भेजी थी खिचड़ी मांगने के लिए, यहाँ खिचड़ी लेने। खिचड़ी चढ़ाया आपने? हाँ, खिचड़ी चढ़ाया आपने? हाँ चढ़ाया, हर साल चढ़ाते हैं। मैं गायत्री गौर देवरिया से आई हूँ, कई सालों से मैं हाथी रहती हूँ और मेले में आज मैं खड़ी आ रहा हूँ। बस कोशिश यही करती थी मैं न जाऊँ मेले के बाद ही जाऊँ, लेकिन ये भी सवाल आज प्राप्त हुआ कि मेले का दर्शन हुआ और देखा गया कि कैसे लोग यहाँ पर भीड़ है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ की किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब लोग बहुत आराम से दर्शन कर रहे हैं। बस क्या मान्यता है माता जी यहाँ? यहाँ की बहुत मान्यता है गोरखनाथ बाबा के लिए। कहा जाता है कि जब बहुत पहले ये एक मुट्ठी खिचड़ी लेके जब मिला था तो उसी से प्रसाद बनाया गया था गोरख खिचड़ी का, और सबको बंटवाया गया था। उसमें इतनी बरकत हुई खिचड़ी में कि पूरा गांव खा गया एक मुट्ठी खिचड़ी में, और वही प्रथा आज तक चली आ रही है।